अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। देखिए, आप अनमोल को अभी तक जानती नहीं है, और रही बात लड़खड़ाने की, तो धक्का लगने के बाद तो कोई भी लड़खड़ा जाता है। अब आप देखिएगा कुछ ही देर में कि ये कदम कितने फिसलते हैं और कितने थिरकते हैं। काजू चल। हाय मेरी होने वाली भाभी, किसी की नजर ना लगे आपको, बिल्कुल 1000 likes वाली ब्यूटी लग रही हो आज ना। काजोल भी आपके सामने एकदम फीकी पड़ जाएगी। बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर आ गया। किसी की नजर ना लगे। बैठ छो, संस्कार भूल गई होगा। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटियों की जगह पाँव में नहीं दिल में होती है। चलिए आइए 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 आइए। उस बिगड़े नवाब ने सब कुछ बिगाड़ दिया, पर हम अपना परफॉर्मेंस किसी को नहीं बिगाड़ने देंगे। बहुरिया होने वाली हो इस घर की, एक जगह शांति से बैठो, हिलना मत यहाँ से। पर अम्मा, हम बिना हिले कैसे नाचेंगे? बतला गई हो का? नाक कटवाओगी क्या हमारी? अम्मा, हमारी शादी का संगीत है, हमें नहीं नाचेंगे क्या? सगुन चढ़ाए चुके हैं हम, अब शादी तक हमारी इज्जत बचा के रखो। ऐसा ना हो तुम्हारी हरकतों की वजह से फेरे ना हो। संदन जी, मैंने आपको बाकी के मेहमानों से मिलवाया ही नहीं, आइए ना। आइए चलिए। काजू, सब नाचेंगे यहाँ पे, सब खुशियां मनाएंगे, बस हम ही टुकुर टुकुर देखेंगे बैठ के। कपड़े तो अच्छे पहने इसमें, लेकिन अभी भी अंदर से नागिन है। मन करता है इस पे अपनी गन तान दूं।
अनमोल, ये लड़की कहाँ गई? अरे रमन, क्या हुआ जी? वो देखो उधर, जी कहिए सर। जी सबसे पहले तो सॉरी जो आपको फैमिली फंक्शन के बीच में डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, इट्स ओके। इनफैक्ट मैं आपसे मिलना ही चाह रहा था। कुछ फोटोग्राफ्स आए मेरे पास, देखिए अगर इनमें से किसी को पहचानते हो। ये है। अच्छा, और इनमें से किसी को पहचाना है? अरे भाई तुम यहाँ छुप जाओ यार, इनमें से तो ये दो लोग ही हैं, बाकी को मैं देख नहीं पाया था। ठीक है, इनके थ्रू हमें किडनैपर तक पहुँचने में बहुत मदद मिलेगी। वेल, आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, फिलहाल मुझे निकलना चाहिए। थैंक यू सर। ये कहाँ चला गया? इसे ढूंढना पड़ेगा, ये कहीं रमन के पास ना पहुंच जाए। इस किडनैपर का पता चल जाए उतना अच्छा हो। बहुत ही नाचने का मन कर रहा है ना, चल नाच। क्या आवाज? अगर तुमने बाहर तनी को कमर मटकाई तो फिर देख। बुआ जी का गुस्सा जानत हो ना, तुम्हारी एक बेहूदी हरकत पूरा शादी का माहौल खराब कर सकती है। चल चल नाच, बहुत थिरकने का मन था ना, आज तुम्हारे लिए ढोल हम बजाएंगे। पर अनमोल ने तो ढोल पे प्रैक्टिस की नहीं, उसने तो डीजे वाले भैया को अपना गाना पहले ही दे दिया। कजुआ चुप, नहीं तो इस ढोल के साथ साथ तुझे भी ऐसा पीटेंगे, शहनाई के साथ तेरी आवाज गूंजेगी। नाच नाच, नाचने का शौक है ना, नाच। मेरी ये पिन सेट कर दोगे प्लीज? सुनो, दरो जी बोलिए। ये
मैडम को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इनकी हेल्प कर दो जरा। हाँ जरूर। बोलिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। कुछ नहीं। नाच लीजिए भर के या और तरंग उठ रहा है, खबरदार अगर तुमने बाहर एक कदम भी उठाया तो, और अगर उठाया ऐसा नचाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। और हाँ, थोड़ी देर में मेहंदी लगने वाली है, उमत जरूरत से ज्यादा उछलने का जरूरत ना है, समझी? चलते हैं। किस मिट्टी की बनी है? आज के दिन तो छोड़ देती। मन कर रहा है इसी का ढोलक बनाऊं और जोर जोर से बजाऊं। कोई बात नहीं, हम रमन जी को बोलेंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हमसे भाग कर कहाँ जाएगा? चल पैसे निकाल। अरे मैंने कहा तो था एक दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको सारे के सारे पैसे कल लौटा दूंगा। अच्छा, हमसे होशियारी? सुंदर जी, जहाँ इतना समय दिया एक दिन और सही। ये रमन जी कहाँ चले गए? लगता है तो वैसे नहीं मानेगा। सुंदर जी मुझे छोड़ दीजिए, आज मेरी संगीत का फंक्शन है, मैं आपके सारे के सारे पैसे कल तक लौटा दूंगा पक्का। तो कितने महीने से एक ही डायलॉग मार रहा है, कल तक पैसे लौटा दूंगा, कल तक पैसे लौटा दूंगा, और कितना रुकना पड़ेगा बोल। मैं अनमोल से रिक्वेस्ट करूंगा वो जहां कहीं भी हो यहां आ जाए, क्योंकि ये सारा सेलिब्रेशन उसी के लिए किया जा रहा है। ये हमारा नाम किसने पुकारा? कहीं हमें नाचने का एक और मौका तो नहीं मिल रहा? पैसे चाहिए मुझे, पैसे लेकर ही जाऊंगा। पैसे दे वरना जान से मार डालूंगा तुझे। रे, 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 रे। इसे मार दोगे तो पैसे मिलने मुश्किल हो जाएंगे। अगर इसने कल तक तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए तो इसे मैं खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। देखो घर में शादी का माहौल है, इसे भी इंजॉय करने दो, अब भी इंजॉय करो ठीक। शादी के मौके पर सब अपनी खुशी अच्छे से जाहिर करते हैं, लेकिन एक इंसान होता है जो इस मौके पर खुश भी होता है और दुखी भी, और वो होती है दुल्हन। वो खुश होती है क्योंकि उसे एक नया घर, नया परिवार, एक नया पार्टनर, नए रिश्ते नाते मिलते हैं, और दुखी होती है इसलिए क्योंकि उसका अब तक का माना हुआ घर, परिवार, रिश्ते नाते, सब कुछ छूट रहा होता है। पर इन सब के बीच मैं हमारी होने वाली दुल्हन से यह प्रॉमिस करूंगा, उसे वो सारी खुशियां मिलेंगी जो उसने इस परिवार के साथ सोची है। बिगड़े रहा, खुशी अब तक आपके परिवार ने देखी कहां है, वो तो अब देखेंगे जब अनमोल आएगी। हम सब की तरह ही दुल्हन का भी पूरा हक है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, और ये डांस एक सरप्राइज डांस है, सो एवरीबॉडी एंजॉय, प्लीज वेलकम अनमोल। हमारा मन था ना डांस करने का। जा अनमोल जा, ना के रख दे स्टेज।
बुआ जी आप? बुआ जी आप ना बड़ी सुंदर दिख रही, हमारा बस चले ना तो हम तो आपको पप्पी ले लें। हे मैया, लगता है ईका बचपन से छुटकारा दिलाए के खातिर कोई हवन करवाई पड़ी। अनमोल बेटा बहुत अच्छा डांस किया तुमने, चलो अब जल्दी से मेहंदी का समय हो रहा है, आप सब भी चलिए ना, आइए चलो आओ। दिमाग के साथ साथ मेकअप भी खा गई है लड़की, अभी देखते हैं कितना बिगाड़ा है। रमन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, दिखे तो उनसे पूछो कि उन्होंने हमारा डांस देखा कि नहीं। देखा? देखा तूने भतीजे क्या हुआ नीचे? वो गुंडा अब घर तक आ गया है, अब अगर उसके पैसे कल तक नहीं लौट आए तो तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी गोली मार देगा। आप बिल्कुल सही कह रहे फूफा जी, हमें जल्दी कुछ करना होगा, खास करके शादी के माहौल में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, स्पेशली विद भाई। फूफा जी, पापा मम्मी अपनी सारी कीमती चीजें इसी कबट में रखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें। अरे तो देखो भतीजे, फूफा जी ये रहा हमारा खानदानी हार, इसे बेचकर अपना कर्ज जरूर चुका लेंगे। इसकी कीमत अच्छी खासी मिलेगी भतीजे। जितना कर्ज लिया है उससे कई ज्यादा, अब यही हार हमें बचाएगा। रमन तुम्हें तो बाहर होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया मैं बस यहाँ फ्रेश होने के लिए आया था। Are you okay? हाँ भाई I'm fine। अरे हमारे होते हुए भला भतीजे को क्या हो सकता है, ये तो बस ये समझो कि शादी की भाग दौड़ में दूल्हे राजा थोड़े थक गए हैं। चलिए तुम्हें गरम गरम चाय पिला कर लाते हैं। आए ये देख अनमोल, तेरा डांस देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गई, काजू भी खुश हुआ। बात तो सही है काजू, हम ना एकदम पैर तो डांस किए, हमारी आत्माएं खुश हो गई। दूल्हे का नाम क्या है? अरे देख देख आगे भी मस्त रिकॉर्ड किया है। सुनिए नाम तो बता दीजिए। यही इसके होने वाले पति होंगे, ये काजोल बनी है और वो शाहरुख खान। ये ना एक और ढंग का, वाह मेरी अनमोल क्या बढ़िया नाचा, देखो देखो अभी देखो। अरे सुनो इसका नाम तो बताओ। रजत। वैसे काजू हमारे डांस की तो सबने तारीफ कर दी, पर ये रमन जी कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। हाँ यार मैं तो तुझमें और यशोदा में बिजी था, उनको तो मैं भूल ही गया। वैसे भी दूल्हे हैं वो कहाँ होंगे, इधर कहीं होंगे। हाँ हाँ जरूर इधर ही हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे। अनमोल आना यार एक दो सेल्फी लेते हैं। अरे बक्काजू तू अपना सेल्फी वो वही जो भी बोलते हैं वही लेते रहे, हम अपना मेहंदी लगाएंगे। ये कौन औरत है, इसे चोरों की तरफ कहाँ घुसे आ रही है। हे भोलेनाथ एक दिन पहले ही रमन जी को किसी ने उठवाया था, फिर से कोई गुंडा तो नहीं आ गया। हमें जाना होगा। अनमोल क्या हुआ? काजू तू यही रुक, हम अभी आते हैं। अब दीदी दो मिनट रुक जाइए। अब
लगता है बहुत बड़ा गड़बड़ झाल होने वाला है। गुंडे कहेंगे शादी के घर में चोरी करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? अब देख, तुम्हारा पीट पीट के भरता ना निकाल दिया ना, तो हमारा नाम भी अनमोल नहीं।